डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ के भौतिक विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप कॉपी और पेन अपने साथ रख लें। इस चैप्टर को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे दृष्टि संवेदनाओं को उत्पन्न करती है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? तो है इंडिया प्रकाश के गुण। नंबर एक, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सेकंड पार्ट, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन आदि गुण होते हैं। अब दीप्त वस्तुएं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती आदि, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। हेडिंग, अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अधिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा आदि। नेक्स्ट हेडिंग है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? इसके लिए सबसे पहले किरण क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश के मार्ग को किरण कहते हैं और प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अभिसारी किरण पुंज। नंबर दो, अपसारी किरण पुंज। नंबर तीन, समांतर किरण पुंज। तीन पहला है हमारा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वे किरण पुंज जिन्हें आगे की ओर बढ़ाने पर इनके बीच की दूरी घटती जाती है तथा आगे की ओर बढ़ाने पर ये किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाती हैं। दूसरा है अपसारी किरण पुंज वे किरण पुंज जिन्हें आगे की ओर बढ़ाने पर इनके बीच की दूरी घटती जा इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी किरणपुंज कहलाती हैं। तीसरा, समांतर किरणपुंज वे किरणपुंज जिनमें किरणों के बीच की दूरी एक समान रहती है, समांतर किरणपुंज कहलाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रतिबिंब।
नेक्स्ट हेडिंग प्रतिक्रम। जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आभासी प्रतिबिंब, नंबर दो वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर एक आभासी प्रतिबिंब, जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, सदैव सीधे होते हैं। इन्हें किसी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इन्हें हम केवल आभास कर सकते हैं अर्थात देख सकते हैं। नंबर दो वास्तविक प्रतिबिंब, जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए पहले इन प्रतिबिंबों को किसी पर्दे पर लेना होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी चिकने तथा चमकदार तंत्र से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किसी माध्यम से आ रहा है, किसी तंत्र से टकराया, टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट गया, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, प्रकाश जिस तल से टकराकर वापस लौटता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु तथा परावर्तन के पश्चात लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर परावर्तक तल पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं तथा इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन के नियम, नंबर एक आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट,
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण